हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट कर देंगे। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताऊँगा जिनका यूज़ प्रैक्टिस सेट 6.1 में हुआ है, और ये जो फॉर्मूलेज है ये आपको आगे जाके भी फ़ायदे देंगे। इसलिए ये जो मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ वो आप एक बुक में लिख लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यह फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो हमें ये जो तीन फॉर्मूले हम लोग ने देखे हैं इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, तभी आप प्रैक्टिस सेट 6.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाओगे। फिर है देखिए फोर्थ फॉर्मूला है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर है कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा का है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन ये दो दो चार पाँच इन पांचों फॉर्मूलों को हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अभी तक मैंने टोटल आपको 8 फॉर्मूलेज बताए, ये टोटल 8 फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए एनी हाउ, तभी आप आगे के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाओगे। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप अपनी बुक में राइट डाउन कर लीजिए। अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 6.1 का, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें बोला है हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास साइन थीटा है, हमें निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो जब भी देखिए साइन और कॉस आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है कितना 7/25। उसके बाद फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला कौन सा डालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। अगर हमें साइन थीटा दे रखा है, हमें कॉस थीटा निकालना है, तो कौन सा डालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वो जो मैंने फॉर्मूले की लिस्ट दी थी उसमें सबसे नंबर 1 पर यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, इसको हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज़। ओके, फिर देखिए हम अभी क्या करेंगे, जहाँ पर साइन थीटा है वहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो देयरफॉर साइन थीटा की जो वैल्यू कितनी है 7/25 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर क्या करेंगे, ये जो 7/25 है उसको हम किधर भेजेंगे, उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर अकेला पड़ गया, ये उधर चला गया 7/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 7/7 = 49 और 25/25 = 625। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम इस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे माइनस कर देंगे। देखिए इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको इधर किया मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 625 - 49, और नीचे क्या बचेगा, ये दोनों में जगह कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 625। ठीक है, उसके बाद देखिए 625 - 49 कितना होता है, 625 - 49 कितना हुआ दोस्तों 576, अपॉन नीचे क्या बचा 625। अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर हट जाएगा कोस का, तो क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा सिर्फ। 576 किसका स्क्वायर रूट है, 24 का, आपको स्क्वायर रूट भी मालूम होना चाहिए दोस्तों। और 625 किसका है, 25 का। तो हमारा जो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24/25। अभी हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का आपको अगर फॉर्मूले मैंने पहले बताए थे फॉर्मूले की लिस्ट में जो कि रेशियोज़ में थे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे पता करोगे आप, अभी देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
साइन थीटा दे रखा है और कोस थीटा दे रखा है और टेन थीटा दे रखा है। साइन थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, हम लोगों ने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास साइन थीटा है, कोस थीटा है और हमें बोला टेन थीटा निकालो। तो देखिए साइन थीटा भी है, कोस थीटा है, इतने में आपके दिमाग में अगर आपने फॉर्मूले याद रखे होंगे तो आपको दिमाग में फटक करके याद आएगा, क्या याद आएगा, टेन थीटा किससे बनता है, साइन अपॉन कोस से। अगर मैं साइन अपॉन कोस करूँ तो मुझे टेन की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकालने के लिए लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर साइन थीटा अगर कोस थीटा करूँ मैं तो मुझे टेन मिल जाएगा, है ना। तो साइन की वैल्यू कितनी है, सेवन अपॉन 25, मैं इस तरह से लिखता हूँ डिवाइड 24 अपॉन 25। ओके, फिर देखिए 7 अपॉन 25 मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 25 अपॉन 24। ओके, ये 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 7 अपॉन 24। टेन थीटा कितना मुझे मिल गया, 7 अपॉन 24। देखा किस तरह से इजी मोड में मैंने आपको निकाल के बताया। चलिए देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कोस थीटा। हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4 और हमें बोला है हमें सेक थीटा निकालना है और कोस थीटा निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। उसके बाद देखिए हमें टेन थीटा दे रखा है, हमें बोला है कि सेक थीटा निकालना है, तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो क्या क्या याद होंगे, 1+10² थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला है ये, आइडेंटिटीज़ वाला, आइडेंटिटीज़, 1+10 थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए फिर इसका क्या हो जाएगा, 1+10 थीटा की जगह पे आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 3/4 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ओके सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो 3 3 = 9 और 4 4 = 16, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। इसका इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या होता है, 16+9 अपॉन 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 16+9 कितना होता है, 16+9 = 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल्स टू 5 5 = 25 एंड 4 4 = 16। sec थीटा की कितनी वैल्यू मुझे मिल गई, 5/4। फिर अभी हम निकालेंगे cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा लिखा मैंने यहाँ पर, cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू अगर sec थीटा है हमारे पास तो 1/sec θ। ओके, तो 1/sec θ, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4। ठीक है, तो इस तरह से लिखूंगा मैं 1/5/4। फिर देखिए ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 1 1 × 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका cos थीटा की जो वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी मिलेगी, 4/5। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 40/9 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। हमें cot थीटा दे रखा है कितना, 40/9 और फाइंड करने क्या बोला, cosec थीटा एंड sin थीटा। तो सॉल्यूशन, cot थीटा इक्वल्स टू 40/9। ओके, 40/9 दे रखा है और मैं निकालना है cosec थीटा, तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1+cot स्क्वायर थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज़ वाला। ठीक है, उसके बाद सबकी मतलब कोट की वैल्यू रख देंगे, कितना वैल्यू, 1+40/9 का होल स्क्वायर, 1+40 40 जा कितना होता है, देखिए 4 4 = 16 और 2 0 लगा देंगे, 9 9 = 81, ये हो जाएगा 81+16 100/81। तो 81+1600 इज 1681/81। तो मुझे cosec स्क्वायर थीटा कितना मिला, 1681/81। इसका क्या करूँगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो देखिए cosec थीटा इक्वल्स टू 1681 किसका स्क्वायर रूट है, 41 का, और 81 किसका है, 9 का। तो मुझे cosec थीटा की कितनी वैल्यू मिली, 41/9। ठीक है, फिर क्या बोला है, sin थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो sin थीटा का फॉर्मूला कौन सा है, sin थीटा इक्वल टू अगर हमारे पास cosec है तो 1/cosec, क्योंकि cosec क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, sin का। तो हम लगाएंगे कौन सा, sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। तो यहाँ पर लिखिए
साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 41/9। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/cosec θ। तो इसको इस तरह से लिखिए आप, 1/41/9। 1 तो ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 41/9। फिर ये जो उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/9/41। तो आपकी जो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी, 9/41। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इफ 5 sec θ - 12 cosec θ = 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec θ, cos θ and sin θ। हमें तीन वैल्यू निकालनी है, sec θ की निकालनी है, cos θ की निकालनी है और sin θ की निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते सॉल्यूशन। 5 sec θ - 12 cosec θ = 0। ठीक है, उसके बाद देखिए जो -12 cosec θ है उसको हम राइट हैंड साइड में डाल देंगे, तो 5 sec θ में बचा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 12 cosec θ। ओके, अभी देखिए ये जो sec θ है और cosec θ, इनका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो sec θ का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec θ का उल्टा क्या होता है, 5/cos, और cosec का क्या होता है, sin। ठीक है, और मैं पहले जो क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया था ना अपन ने, sin θ = 1/cosec θ, सेम हियर। फिर देखिए ये जो θ वैल्यू वाली है वो एक साइड लिख देंगे, नंबर एक साइड लिख देंगे, तो साइन को इधर ले आओ, फाई को इधर लेके आ जाओ। तो sin θ / cos θ = 12/5। ठीक है, तो sin/cos is 10θ = 12/5। हमें क्या मिला, 10θ मिल गया है। ठीक है, अभी आप बोलोगे 10θ क्यों निकाला, इसका क्या यूज़ है, ये अभी आपको पता चलेगा आगे। अभी हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, sec θ निकालना है, cos θ निकालना है और sin θ निकालना है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे sec θ। sec θ का फॉर्मूला बोलो तो ज़रा, sec θ का फॉर्मूला है sec²θ = 1+tan²θ। ये sec θ का फॉर्मूला है। ठीक है, 10θ, इसलिए हम लोग ने 10θ निकाला, ताकि sec θ का जब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें हम 10 की वैल्यू रख सकें। तो sec²θ = 1+10 की वैल्यू कितनी है, 12/5² = 1+12, 12 = 144, 5 = 25। तो ये हो जाएगा 25+144/25। दोस्तों आपको आपकी स्पीड भी इम्प्रूव करनी होगी मैक्स के अंदर। ठीक है, तो 144+25 = 169/25 sec²θ। उसके बाद क्या होगा, देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा sec θ। 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, तो 13/5 ये आपका मिल गया sec θ। अभी हम निकालेंगे cos θ। ठीक है, तो cos θ लिखिए, cos θ का जो है रेसिप्रोकल वो है 1/sec θ। आपको मालूम है ना cos का क्या होता है, sec होता है, तो वही लिख दिया मैंने cos θ = मतलब आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आप एक वैल्यू निकाल लोगे ना, उसके बाद सब एक दूसरे से लिंक है, अगर एक की वैल्यू आ गई तो बाकी सबकी भी आ जाएगी। तो देखिए sec θ आ गया, sec की मदद से cos आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए cos θ लिख दिया = 1/sec θ, तो cos θ = 1/sec θ की वैल्यू क्या है, 13/5। तो मैं इस तरह से लिख दूँ, 1/13/5, तो ये हो जाएगा 1 × 5/13। तो cos θ की जो वैल्यू है मेरी कितनी आई, 5/13। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, sin θ। अब sin θ के लिए क्या करें, sin θ हमें निकालना है। अभी हमारे पास क्या है, 10 की वैल्यू भी है, cos की वैल्यू भी है, हमें sin θ निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, 10θ क्या होता है, 10θ क्या होता है, sin θ / cos θ होता है। ओके, उसमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास 10 की वैल्यू है, cos की वैल्यू, हमें sin निकालना है, हो गया ना इजी। तो देखिए देयरफॉर हम sin को इधर ही रखेंगे, sin θ, cos θ को भेज देंगे 10 के पास, भाई तू उधर जा। तो 10θ के पास क्या आ गया, cos θ आ गया, जो कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी, 10θ की वैल्यू कितनी है, 12/5, मल्टीप्लिकेशन cos θ की वैल्यू कितनी है, 5/13। इसको कर दो मल्टीप्लिकेशन, आ गया आपका आंसर कितना आएगा, 12/13, किसकी वैल्यू आई, sin θ की। देखा किस तरह से एक दूसरे से सब लिंक रहते हैं, अगर आपकी एक की भी वैल्यू आ गई ना तो बाकी सारे की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है, और आपको फॉर्मूले
तो बहुत कंपलसरी, देखो सब सब क्वेश्चन में फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं, देख रहे हो ना, तो आपको फॉर्मूलेज बहुत केयरफुली याद रखने होंगे। तो सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू वन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, पर इसको भी हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है, कितना, वन दे रखा है। ओके, हमें क्या निकालना है, आप जब भी आपको वैल्यू दे रखी है कि आपको ये निकालना है, तो आपको पहले उसको देखना है आपको क्या निकालना है, आपको क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, तो अभी देखिए टेन से क्या क्या आ सकते हैं, साइन आ सकता है, कोस आ सकता है, सेक आ सकता है, तो हम पहले सेक निकालें, चलेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो सेक थीटा निकालें पहले। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो वन प्लस टेन की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, वन प्लस वन इज टू, ठीक है, कितना, सेक स्क्वायर थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो सेक थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट टू। ओके, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉस होता है, ठीक है, तो कॉस थीटा, इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या हो जाएगा ये, इसका कॉस थीटा मतलब सॉरी सेक थीटा। ओके, तो वन अपॉन सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट टू, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन रूट टू, क्या मिल गया मुझे, कॉस थीटा। ये मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ, कॉस थीटा कितना मिला, वन अपॉन रूट टू। अभी देखिए क्या निकालने का अपने को, साइन और कोस बचा है, नहीं कोस निकल चुका है, सेक निकल चुका है, क्या बचा है, साइन और कोसेक बचा है। ओके, तो साइन निकालते पहले, वापस मैं टेन की वैल्यू लिखता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू वन। ओके, तो टेन थीटा क्या है अपना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, मैंने अपने फॉर्मूले जो लिस्ट थी उसमें बताया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मैंने इस तरह से लिख दिया, इक्वल्स टू वन लिख दिया। ओके, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ये कोस थीटा उधर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो वन मल्टीप्लीकेशन कोस थीटा, एनीथिंग मल्टी इज इक्वल्स टू वन, मतलब कोस थीटा ही रहेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ओके, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन रूट टू। ओके, तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू, मतलब जो कोस थीटा की जो वैल्यू है वही साइन थीटा की वैल्यू है। ओके, अभी क्या बचा, कोसेक थीटा बचा है। ओके, तो देखिए जैसे कि हम लोग ने सेक का जो रेसिप्रोकल लिया, क्या लिया था, कोस लिया था, मतलब कोस क्या है, वन अपॉन सेक है, उसी तरह साइन क्या है, वन अपॉन कोसेक है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख के बताऊँ, कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन, लिख सकता हूँ ना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने सब क्लियर करके बताया है, मेरी दो पहली जो वीडियो है उसमें मैंने रेशियोज आइडेंटिटीज बताई है, अगर वो वीडियो भी नहीं देखी आपने तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, उसमें मैंने रेशियोज आइडेंटिटीज का बेसिक्स बताए हैं, तो मतलब किस तरह से फॉर्मूले आते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा लिख दिया मैंने। ओके, तो वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट टू, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा, तो कोसेक थीटा कितना मिला मुझे, रूट टू मिल गया, ठीक है। अभी ये सब सारी वैल्यू हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो चलिए रख देते हैं, सब लिख दीजिए पहले, यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओके, तो सबकी वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, इसको भी मैं उसी तरह से सॉल्व करूँगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस रूट टू, ठीक है, तो वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू इजक्वल्स टू टू रूट टू, डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस रूट टू इज रूट टू, रूट टू प्लस टू रूट टू। ओके, फिर देखिए देयर फोर साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू टू अपॉन रूट टू, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में वो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू, तो देयर फोर साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू आया साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा,
इक्वल्स टू 1/2। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।